हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, आज का वीडियो नीट स्टूडेंट्स और जेईई स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के वीडियो में आपको नीट और जेईई मेन से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलेगी कि पेपर कैंसिल होना है या पोस्टपोन होना है, ये फाइनल डिसीजन आ चुका है। तो दोस्तों, इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं, दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल तक जो न्यूज़ आ रही थी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को कैंसिल किया जाए, तो आज ये फैसला आ गया है कि नीट जेईई मेंस नहीं होंगे रद्द। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों पेपर कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि एनटीए अगले हफ्ते तक देश भर में परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करने की तैयारी में है, यानी अगले हफ्ते इसकी एक मीटिंग होगी। इसमें साफ साफ लिखा है कि नीट और जेईई मेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को कैंसिल करने का दबाव बढ़ने लगा है। लेकिन इन सब के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साफ संकेत दिया है कि नीट और जेईई मेंस की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होने के बाद इन्हें तुरंत कराया जाएगा। साफ साफ लिखा है सुधार होने के बाद, इसका यह मतलब है कि नीट एग्जाम पोस्टपोन होगा ये पक्का है, क्योंकि 1 अगस्त को एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। आज 7 जून हो गई है और आपको ये बता दूं अगले हफ्ते इसका शिक्षा का जो इसकी परीक्षा का कार्यक्रम आएगा, यानी शेड्यूल आएगा कि कब नीट की परीक्षा होगी, कब जेईई मेंस की परीक्षा होगी। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते होते जून लास्ट वीक में या 1 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। इस प्रोसेस में पूरा 1 महीना लगता है और ये प्रोसेस आपका 1 अगस्त तक जाना ही जाना है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो ये परीक्षा होगी ज़रूर, लेकिन पोस्टपोन होगी। हो सकता है अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में करा लें। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली है कि ये सितंबर या अक्टूबर में ही कराई जाएगी और जेईई मेंस की जो परीक्षा है वो जुलाई और अगस्त में होगी। तो दोस्तों, ये फाइनल डिसीजन आ गया, बस इस पर एक जो ऑफिशियल मुहर लगनी है वो अगले हफ्ते लग जाएगी। आपका एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी फैसले हैं कि किस तारीख को होगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आज आ चुकी है, ये बहुत बड़ा ट्वीट है कि नीट और जेईई मेंस नहीं होंगे रद्द, ये सिर्फ पोस्टपोन हो रहे हैं। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।